विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में प्राचीन पवित्र मंदिर न्यास की धरोहर पीपल का पेड़, जिसका एक भाग खोखला होता जा रहा है, उसका अब जीर्णोद्धार किया जा रहा है। एडीएम बिलासपुर मेला अधिकारी विनय दीवान ने बताया कि ये जीर्णोद्धार मंदिर न्यास के द्वारा किया जा रहा है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में श्रावण अष्टमी मेला में आने वाले श्रद्धालु किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। किसी भी आपात स्थिति में मंदिर न्यास के फोन नंबर 0197828808 पर संपर्क करें। ये बात एडीएम बिलासपुर मेला अधिकारी विनय दीवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री नैना देवी में कही। एडीएम बिलासपुर ने श्री नैना देवी क्षेत्र का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि श्री नैना देवी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भूस्खलन अभी तक नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार का खतरा यहां श्रद्धालुओं को नहीं है, ना ही कोई पहाड़ी दर की है। जो भी श्रद्धालु माता जी के दर्शनों के लिए आना चाहते हैं, वे बड़े आराम से माता जी के दर्शनों के लिए पहुंचे। किसी भी आपात स्थिति में मंदिर न्यास के नंबर पर संपर्क करें और अफवाहों से दूर रहें। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में प्राचीन पवित्र मंदिर न्यास की त्रोहर पीपल का पेड़, जिसका एक भाग खोखला होता जा रहा है, उसका अब जीर्णोद्धार किया जा रहा है। एडीएम बिलासपुर मेला अधिकारी विनय दीवान ने बताया कि ये जीर्णोद्धार मंदिर न्यास के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जब इस प्राचीन मंदिर के पेड़ में एक तरफ से खराब होने लगा था, लेकिन नौणी विश्वविद्यालय के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर जेएन शर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यों की टीम ने माता श्री नैना देवी के दरबार पहुंची। उन्होंने इस प्राचीन वृक्ष को चेक किया और इसे फेसिंग करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। इसके चारों तरफ जाली लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है। बहुत समय से उसकी पोजीशन वैसे ही पाई गई है जो हमने लोकल इंक्वायरी की है, और श्रद्धालुओं को या किसी भी लोकल को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्लोप्स हैं जहां पे इशू है कि वहां पे कभी पत्थर आ सकता है, उसके एहतियातन तौर पे जो है वो स्थानीय प्रशासन को बताया गया है व्यवस्था करने के लिए। और जो भी श्रद्धालु चाहे रात को सफ़र कर रहे हैं चाहे दिन में सफ़र कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा हेतु जो भी हम उपाय कर पाएंगे वो हम कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसको हम कहें कि कहीं बीच में यात्रा पे कोई संकट आने वाला है। यात्रा सुचारू रूप से चलेगी, ऐसी प्रशासन व्यवस्था कर रहा है और ऐसी हम आशा करते हैं कि माता के आशीर्वाद से सब व्यवस्थाएं पुख्ता की जाएंगी और श्रद्धालुओं को जो है वो अच्छी सुविधाएं यहाँ मिल पाएंगी। आपके माध्यम से मैं सभी श्रद्धालुओं को यह संदेश देना चाहता हूँ जिला प्रशासन की ओर से कि किसी अफवाह का ध्यान ना दें, और हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे हमने जो है नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए हुए हैं, वो आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। और कोई भी अगर बात आपके ध्यान में आती है जो कोई शंका पैदा करती हो, एकदम से उनके ध्यान में लाएं ताकि हम जो है वो उसको सही समय पर निवारण कर सकें। तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। हमारा एक ऑफिस का नंबर है जिसको श्रद्धालु जो है वो नोट कर सकते हैं। अगर कोई उनको परेशानी आती है तो इस नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। ये है 01978, ये कोड है यहाँ का, और नंबर है 2880488 2880848, तो इस पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं।